गौरव गोगाई जी कह रहे थे कि संस्थाओं को टार्निश किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन तोड़े जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना को, सुप्रीम कोर्ट के चार जजों को बाईपास कर श्री हंसराज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टे लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सीए जी को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इंदिरा गांधी जी ने, जेएनयू पर ताला लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था, यूपीएससी जैसी स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्था को इसके अधिकारों को छीनने का काम इंदिरा गांधी जी ने कहा। भैया आपको इतिहास मालूम नहीं है? सुप्रिया सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी। सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी, और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। माननीय सीएम जोशी जी उसके कन्वीनर थे। नहीं, कन्वीनर बरोबर है, मुख्यमंत्री कौन बना? सत्ता किसने भोगी? सत्ता का सुख किसने प्राप्त किया? शरद पवार जी ने की। उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मान्यवर, तरुण गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। गौरव गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। मान्यवर, मोदी जी तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय मीटिंग में चीन के राष्ट्राध्यक्ष को मिले थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर मोदी जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे नहीं लगाए थे जिससे 62 जैसी हार का, करारी हार का सामना करना पड़ा। और श्री जवाहरलाल नेहरू जी तो इसी सदन में आकाशवाणी पर बोल गए थे, बाय बाय आसाम। ये तो हमारे सेना के जवानों ने आसाम को बचाया मान्यवर, और चीन ने एक तरफा समाधान किया तब बचा। माय हार्ट गोज़ टू द नॉर्थ ईस्ट पीपल, असम पीपल।